आ गया सुमंगल भाई आ गया, अब पाकिस्तान की खैर नहीं। जय सुमंगल भैया, जय सुमंगल भैया। अरे भैया रहने दो, इतना तारीफ काफी है। अब तो इसको मैं मार के ही तारीफ सुनना पसंद करूंगा। पाकिस्तान को इतना पेलूंगा कि उसको याद रखेगा। ये तो शुरुआत थे, अभी अभी देखो होता है क्या। मैं आया हूँ तो इतना चर्चा हो रहे लगा, अभी देखो इसको मारूंगा तो कितना चर्चा होगा। अरे सुमंगल तो एक नंबर का लूल प्लेयर है, खाली अपना तारीफ करता है। और देखना इसको मैं जीरो पे आउट करवाऊंगा अपनी टीम से। और देखना ये जीरो पे आउट होकर जाएगा, एकदम लूल प्लेयर है। खेलना वोला नहीं आता है, बस तारीफ मिल रही है बात जब साहब। लेकिन बाबर आजम ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है सुमंगल के बारे में। अबे सुमंगल, ये 2.5 किलो का हाथ जब तुम पर पड़ेगा ना, तब तुम धोत जाओगे। समझा क्या बे? पाकिस्तान के खिलाफ जब मैच होगा तो ये 2.5 किलो का हाथ जब पड़ेगा तुम पे तो तेरा दिमाग ठिकाने आ जाएगा, समझा क्या? अरे भैया हमको तो यही नहीं समझ में आई था, ये सनी देओल हमारा साइड है कि ओकरा साइड है, यही तो समझ में नहीं आवे छै। समझ रहे हो? साहिब के नाती जो है बाबर आजम, एकरा घर में सुइया देवे के पड़ी तभी एकरा दिमाग ठिकाने में आई, समझ ली ना। ये बहुत ज्यादा बोले छै हमारा टीम इंडिया के बारे में। आबे दई मैदान में एकरा विकेट उकार देब, हम अपन बॉलर के कह के। सुमंगल भाई से भी आ गेल है, अब तो वो इतने छक्के मारते कि इसके प्लेयर सब लूल बन जाते, बुझली ना। भैया रहने दो, ये कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा है अपने बारे में। अरे रिजवान को भूल गए क्या? पिछला मैच में उठा के मर लिया रहा छक्का, बुझ ले लू। हमारा नहीं जाने चुका तू, बहुत बड़का प्लेयर छी हम, तो हमारा सामने कुछ ना। अरे वो काजल सिर्फ तुम मेरी हो और किसी की नहीं हो सच्ची। अरे भैया हमको तो यही नहीं समझ में आवत है कि यहाँ पर गेम की बातें चल रही है कि यहाँ पर काजल की बातें चल रही है। भाई बॉडीगार्ड वाले आ जा रहे हैं, कभी कोई आ जा रहे हैं, भाई ये क्या लौटक्की लगा के रखा है भैया? ये गेम है कि गेम के भाड़ुआ है यार? अरे भाई ओ भाई, अरे भाई, अरे भाई, सनी देओल भैया बताओ जरा किसके सपोर्ट करने आए हो यहाँ? हमको तो यही नहीं समझ में आ रही। कभी बोल रहे हो कि सुमंगल को 2.5 से मारेंगे, कभी पाकिस्तान को मारेंगे, यहाँ पे हो कह रहा है भैया। अरे ओ काजल, अरे ओ सुमंगल, अरे मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। दरअसल मिस्टेक से मैं तुमको गलत बोल दिया था, वो बात बाबर आजम के लिए था। ये 2.5 किलो का हाथ जब बाबर आजम पे पड़ेगा तो ये धंस जाएगा। अरे भैया जो भी हो यहाँ पे तो कॉमेडी ही चल रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि अब जो मैं गेम खेलूंगा तो मैं शतक मार के ही आऊंगा, क्योंकि मेरा फॉर्म थोड़ा खराब है। आप तुम लोग को बताऊंगा कि इस बार कैसे गेम खेला जाता है। अरे साइड के नाती बाबर आजम, तू तो 1-0 पे आउट हो जाए छे, ये सब बात बोले से थर्मो न लगे हो तोरा रे।